रावण का नाम सुनते ही हमारे मन में एक क्रूर राजा, अहंकारी व्यक्ति, एक असुर व सबको तुच्छ समझने वाले एक घमंडी इंसान की छवि उभरती है। लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि रावण एक सर्वशक्तिशाली, एक कुशल राजा, अत्यंत बुद्धिजीवी तथा अपनी परिवार की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकने वाला भगवान शिव का असीम भक्त था। रामायण में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि रावण के वध के बाद उसके शरीर का क्या किया गया। क्या आज भी रावण का मृतक शरीर श्रीलंका के जंगलों में किसी गुफा में सुरक्षित रखा गया है या नहीं? क्या कहना है श्रीलंकन गवर्नमेंट का? जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। रावण जिसकी दहाड़ से तीनों लोक कांपने लगता था, लेकिन ये दहाड़ कभी एक पुकार हुआ करती थी। दरअसल रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र था, जो कि एक ब्राह्मण थे। वहीं रावण की माता एक क्षत्रिय राक्षसी थी, जिनका नाम कैकसी था, जो कि ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी थी। रावण के पिता ब्राह्मण थे व माता राक्षसी, इसलिए रावण ब्राह्मण व राक्षस दोनों था, जिसे ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है। यही कारण है कि रावण के पास राक्षस जैसी शक्ति व ब्राह्मण जैसी बुद्धि दोनों ही मौजूद थी। ऋषि विश्रवा ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे और ऋषि पुलस्त्य ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इस हिसाब से रावण ब्रह्मा जी का परपौत्र था। कहते हैं कि रावण को रावण का नाम स्वयं भगवान शिव ने दिया था। रावण का बचपन में नाम दशानन था। कहा जाता है कि एक बार रावण भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जाने की जिद करने लगा। भगवान शिव के ना मानने पर रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की थी। तब भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपने पैरों से दबा दिया था, जिससे रावण की उंगलियां दब गईं। उंगली दबने के बाद हठी रावण जोर जोर से शिव तांडव करने लगा, जिसे देख भगवान शिव अचंभित हो गए कि इतने दर्द में भी कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। तभी भगवान शिव ने उसे रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से चिल्लाने वाला। श्रीलंका के इतिहास में अब तक सिर्फ रावण को ही सबसे कुशल राजा माना गया है। कहते हैं कि रावण के शासन काल में ही श्रीलंका की प्रजा सबसे ज्यादा समृद्ध और संपन्न थी। इतना ही नहीं, रावण एक कुशल राजा होने के साथ साथ तकनीकी के क्षेत्र में भी अव्वल था। जिस समय दूसरे राजा विमान का नाम तक नहीं जानते थे, उस समय रावण के पास चार चार हवाई अड्डे व अत्याधुनिक विमान थी। आज भी श्रीलंका में ऐसे कई हवाई अड्डे मौजूद हैं, जिसको श्रीलंकन गवर्नमेंट द्वारा कहा जाता है कि रावण ने इनका इस्तेमाल किया था। जैसे मायांगना में वीरांगन थोथा, हाटन प्लेस पर थुथुपुला कैंडा, कुरुनिगाला में वारियर पोला व मायांगना में गुरुल पोथा। इतना ही नहीं, रावण के पास ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था। कहा जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म होना था, तब रावण ने अपने पुत्र को अमर करने के लिए सभी ग्रहों को 11वें स्थान पर रहने को कहा था, लेकिन शनि महाराज 11वें स्थान की जगह 12वें स्थान पर जाकर विराजमान हो गए, जिससे गुस्सा होकर रावण ने शनि देव पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शनि देव को भी कुछ समय के लिए अपना बंदी बना लिया था। रावण को इतिहास का सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण माना जाता है। रावण ने कई पौराणिक ग्रंथों की भी रचना की थी, जैसे शिव तांडव स्तोत्रम, अरुण संहिता यानी लाल किताब, रावण संहिता, प्राकृत लंकेश्वर, नाड़ी परीक्षा, इंद्रजाल तथा और भी कई ग्रंथों की रचना की थी। इतना ही नहीं, रावण को वीणा बजाने का भी ज्ञान था और भगवान शिव के कहने पर रावण ने चारों वेदों को संगीतबद्ध भी किया था। इसके अलावा रावण एक कुशल रक्षा विशेषज्ञ भी था, जिसका प्रमाण हमें रामायण में ही देखने को मिलता है। रावण ने श्रीलंका को चारों तरफ से ऐसे सुरक्षा घेरे से घेर रखा था कि साधारण मानव तो छोड़िए, हनुमान जी जैसे महाबली पुरुष को भी श्रीलंका पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। रावण जिसे दुनिया भर में एक राक्षस के रूप में जाना जाता है, दशहरे के दिन रावण के पुतले को दुनिया भर में जलाया जाता है और भगवान राम की पूजा की जाती है, वही श्रीलंका में रावण की पूजा की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं, बल्कि भारत में भी कई जगहों पर रावण की पूजा की जाती है। जैसे मध्य प्रदेश के विदिशा गाँव में, कर्नाटक के कोलार में, राजस्थान के जोधपुर में व हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी रावण की विधिवत पूजा की जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर का कैलाश मंदिर, जो साल भर में केवल दशहरे के दिन ही खुलता है, वहां भी रावण की विधिवत पूजा की जाती है। इसके अलावा रावण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित बिसरख गांव में, रावण के ससुराल मंदसौर में, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में
और आंध्र प्रदेश के काकीनाड में भी रावण की पूजा की जाती है। श्रीलंका में स्थित कोलेश्वरम मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां रावण के आराध्य भगवान शिव से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में भी रावण की पूजा की जाती है। रामायण के अनुसार भगवान राम पर रावण में युद्ध हुआ था जिसमें रावण का वध हुआ था, लेकिन रामायण में कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि रावण के वध के बाद उसके शरीर का क्या किया गया। क्या रावण का मृतक शरीर आज भी श्रीलंका के जंगलों में किसी गुफा में सुरक्षित रखा गया है या नहीं, आइए जानते हैं कि श्रीलंकन गवर्नमेंट का इसके बारे में क्या कहना है। ऐसा माना जाता है कि रेगला की जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। रावण का यह शव ममी बनाकर एक गुफा में रखा हुआ है। इस गुफा का नाम रावण एला है जिसका अर्थ है रावण की गुफा। इसी गुफा में रावण ने घोर तपस्या की थी। रेगला के जंगलों में रावण की यह गुफा 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जहां 17 फीट लंबे व 5 फीट चौड़े पत्थर के ताबूत में रावण का शव रखा हुआ है। इस ताबूत पर एक खास तरह का लेप किया हुआ है जिसकी वजह से यह ताबूत हजारों सालों से वैसे का वैसा सुरक्षित है। कहते हैं कि रेगला के जंगलों में गुफाओं तक जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि यहाँ जंगली व खुखार जानवरों का बसेरा है और यहाँ जाने के रास्ते इतनी कठिनाइयों से भरे हैं कि वहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन है। श्रीलंका के शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि इस गुफा से रावण का शव निकालने की कोशिश की जाए तो गुफा के पत्थरों के असंतुलन की वजह से चट्टानें फिसलने लगेंगी और शव के साथ साथ शव निकालने वाले व्यक्ति भी उसी में दब जाएंगे। इसी वजह से रावण के शव को निकालना व उसकी जांच करना नामुमकिन है। कहते हैं कि रावण के वध के बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को उस गुफा में ले गए जहां रावण यज्ञ करता था। उन्होंने रावण को जीवित करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने रावण के शव का ममी बनाया और उसे एक विशाल ताबूत में रख दिया। उनका मानना था कि एक न एक दिन रावण जरूर जीवित होगा। कुछ पौराणिक ग्रंथों की माने तो कहा जाता है कि समुद्र के ऊपर सेतु के निर्माण के लिए भगवान श्री राम को भगवान शिव की साधना करनी थी जिसके लिए उन्हें एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी, लेकिन वहां रावण के अलावा कोई ब्राह्मण मौजूद नहीं था। तब भगवान राम ने जामवंत जी के द्वारा रावण के पास यह पूजा कराने का निमंत्रण भेजा था और ऐसा कहा जाता है कि रावण स्वयं ब्राह्मण रूप में आकर भगवान शिव की यह साधना पूरी की थी और प्रभु श्री रामचंद्र जी को विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं तथा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा ऐसे ही रहस्यमयी और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।